प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा क्वेश्चन। चलिएगा, बताइएगा कौन 2020 रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भैया मैंने जो 4 मिनट लॉस मुझसे हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और दोस्तों इसका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं जावेद अख्तर जी। कौन बने भैया? तो जावेद अख्तर जी, ठीक है, जावेद अख्तर जी बने हैं इसके पहले। ठीक है, थोड़ा मोबाइल को मुझे साइलेंट पे लेना पड़ेगा। तो आंसर है जावेद अख्तर। नेक्स्ट, किस देश में डीआईसीसी विश्व कप 2021 आयोजित होगा? डीआईसीसी विश्व कप 2021, तेजी से बताइए। इसका आंसर है डी ऑप्शन, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी और ग्लोरी टू मदर उत्कल को राज्य गान का दर्जा दिया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? ओडिशा कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी, भैया आप तेजी से आंसर करो क्योंकि जो मेरे से 3-4 मिनट लेट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लक्ष्मीकांत महापात्रा, लक्ष्मीकांत महापात्रा। नेक्स्ट, किसको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पदक से सम्मानित किया गया है? किसको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक बार मुझे जरा सूचित करना कि भैया हम लाइव हो चुके हैं ना, बताइए जरा सा, किसको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पदक से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दोस्तों याद रखना शोभा शेखर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसको विश्व 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार? भैया याद रखिएगा रतन लाल, भारतीय वैज्ञानिक रतन लाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, बताइएगा, डी ऑप्शन डेविड एटनबरो। भाई आज मेरी क्लास का टाइमिंग तो 7 से 8 ही होता है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्ध रुद्धा राम स्वामी स्वामी जी रेलवे स्टेशन किसने किया गया है, यह किस राज्य में है? भाई हुबली की बात होगी तो सर वो कहां होगा, निश्चित तौर के आपके कर्नाटक। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्ध रुद्धा कर्नाटक। नेक्स्ट, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आज 200 पूरे वर्ष के जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के करेंट अफेयर का रैपिड फायर है, आंसर करिए। 8वें क्वेश्चन का आंसर है बी, गौरी खान। नेक्स्ट, किसने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आंसर है सी, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रॉमिस लैंड अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना, अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक है बराक ओबामा, ठीक है ना, क्या प्लीज बताइए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर शोध के लिए किस आईआईटी के साथ काम किया है? एनटीपीसी के लिए किसी भी फेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, ये देख लेना 11वां। भैया आईआईटी कानपुर के साथ भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे के मॉडर्नाइजेशन पे रिसर्च के लिए क्या किया है, समझौता किया है और बातचीत आगे बढ़ाई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का दिन किस दिन मनाया जाएगा? जिस दिन दोस्तों हम लोग केमिकल जो विक्टिम्स रहे हैं उनके लिए स्मरण का दिन मनाएंगे, बताइएगा। तो भैया वो दिन हो जाएगा डी ऑप्शन, 30 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चूज किया है? भाई तेजी से, अगर आज 7:30 बजे तक हम लोग 1000+ स्टूडेंट नहीं रहे दोस्त 31 तारीख को, तो कसम यार दोस्ती की बड़ा बुरा लगेगा और दोस्त तब मैं शो को रोक भी दूंगा, ठीक है ना। तो आज आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोगों को 7:30 बजे 1000+ रहना है, ये आप ही लोग आज करके दोगे। भाई पुराने ईयर का कुछ तो न्यू ईयर गिफ्ट कुछ तो करोगे मुझे, तो भैया इस सब तो ये बात याद रखना, आज आपकी जिम्मेदारी है ए क्वारंटाइन। यदि आप चाहते हो 7:30 PM के बाद भी ये क्लास चले और मतलब कम से कम 200 क्वेश्चंस पूरे हो, तो आज आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? और मेरे भाई एक बात याद रखना कि शेयर करके ही आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, शेयर करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 8वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की मेजबानी गुवाहाटी
असम करने वाला है, गुवाहाटी असम करने वाला है। नेक्स्ट, किस बैंक ने किसानों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा कृषि ओडी लॉन्च किया है, कृषि ओडी ओवरड्राफ्ट सुविधा, चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है तो यह हो जाता है जरूरी, केवीजीबी, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया गया जाता है, यूनिसेफ दिवस किस दिन में मनाया जाता है दोस्तों, यूनिसेफ दिवस है बी ऑप्शन 11 दिसंबर। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, रेलवे अक्सर एमडी और सीईओ पूछता रहता है, तो एमडी और सीईओ बने हैं आपके ए ऑप्शन उदय कोटक, उदय कोटक। आज जैसे आप हमसे उम्मीद कर रहे हो कि आशुतोष सर एकदम रफ्तार में क्वेश्चन आवे, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं 7:30 बजे तक 1000+ स्टूडेंट शेयर करके ला दीजिए, नहीं तो भैया आज हम भी घूमने के मूड में सरक लेंगे धीरे से, समझ लो भैया, दोस्त तो तुम ही लोग के हैं ना, तो दोस्ती आज निभा दूंगा मैं। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार जावेद जादव पायेंग को। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 किस राज्य में शुरू हुई, बताइएगा 2019, भैया ये शुरू हुई है आपके हरियाणा में। नेक्स्ट, किसे नारी शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया है, नारी शक्ति पुरस्कार, भैया कार्तियनी अम्मा और भागीरथी अम्मा दोनों को, मतलब डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, गैरसीण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगा, पूरे वर्ष के 200 क्वेश्चन लेके आया हूं, जनवरी से लेके दिसंबर तक 2020 के 200 टॉप क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना ज्यादा है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सी उत्तराखंड, सी उत्तराखंड। नेक्स्ट, पेटीएम के साथ साझेदारी में किस मेट्रो रेल लिमिटेड ने क्यूआर कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत की है, भाई आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट, किस राज्य में पारंपरिक फगली त्योहार मनाया गया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप पहले भी पढ़े हैं लेकिन देखिए आप कितना आंसर कर पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, फगली त्योहार हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है, पर्यटन संजीवनी योजना, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस ए न्यू पर्यटन संजीवनी स्कीम, दैट इज असम, ठीक है असम। नेक्स्ट, नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा की लर्निंग ऐप एंट्री ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बताइएगा कौन है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है तो भैया इसका ब्रांड एम्बेसडर है डी ऑप्शन रॉबिन उथप्पा, रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट, सचिन देशमुख का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है, सचिन देशमुख, सचिन देशमुख संबंधित है आपके क्रिकेट से, ठीक है लेकिन याद रखिएगा यह सचिन देशमुख नाम है, ठीक है ना, ये नहीं कि कोई तेंदुलकर पढ़ ले, बहुत गड़बड़ होगा भाई, ठीक है सचिन देशमुख। नेक्स्ट, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है, भैया इसके पुस्तक के लेखक है गौरी लाई, गौरी खान। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहां है, BWF का मुख्यालय कहां है, तेजी से बताइएगा, BWF का मुख्यालय सी कुआलमपुर, कुआलमपुर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कल्याणकारी सफाई कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है, गरिमा योजना, वर्षा राजपूत, साची जी, निकिता, अंजलि, अंकित, रंजीत कुमार, संतोष, शेयर कर लो भैया, आज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है 7:30 बजे तक अगर 1000+ नहीं होता है तो आज मेरी गलती मत देना कि सर आपने शो क्यों रोक दिया, आज मुझे आप लोग से एक मतलब गिफ्ट चाहिए कि 1000+ स्टूडेंट, और अगर 8 बजे तक आज क्लास चली तो आज 1500+ स्टूडेंट होने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, सर हिंदी दिवस सी ऑप्शन 14 सितंबर। नेक्स्ट, किस कंपनी ने टास्कमेट ऐप लॉन्च किया है, टास्कमेट ऐप, टास्कमेट ऐप लॉन्च किया गया है भैया डी ऑप्शन गूगल के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और आदर्शों पर एक पुस्तक का विमोचन किया है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना, मोहम्मद आसफ, उस पुस्तक के लेखक कौन है, कृपाल सिंह। नेक्स्ट, संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है, संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस, भैया आंसर है डी 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान चलाया, भाई जहां बर्फ होगा वहीं हिम सुरक्षा अभियान चलेगा, ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, सुरभि आरोग्यशाला गायों का पहला अस्पताल है नॉर्थ ईस्ट में और वो हुआ है दोस्त डिब्रूगढ़ असम में, डिब्रूगढ़ असम। नेक्स्ट, किस दिन बाल विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भाई हमारे कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को, जबकि 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे हम लोग चाचा नेहरू की याद में। अगला,
गोवा की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका हाल ही में, सौरभ मिश्रा, अजय, नीतू, निधि, दीप्ति, नीलम, प्रदीप चौरसिया। भैया ये जो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो ना, सोच रहे हो सर अगर हम शेयर करने जाएंगे तो 3-4 क्वेश्चन छूट जाएगा, तो भाई याद रखना कि 7:30 बजे के बाद 100 क्वेश्चन छूट जाएगा यदि मैं आज 1000 प्लस स्टूडेंट नहीं हुए तो। ये आप सबकी आज जिम्मेदारी है जो मैं बार बार आज कह रहा हूं। नाम है दोस्तों मृदुला सिन्हा। नेक्स्ट, सरोज खान का निधन हो गया। वह थी सरोज खान भैया एक महान कोरियोग्राफर थी, महान कोरियोग्राफर थी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की, और आज बता रहा हूं आज के 200 करेंट अफेयर जो है मैं गारंटी लेने को तैयार हूं दोस्त, एनटीपीसी से आज के शो में रहेगा, यहां जी वर्ड गारंटीड वर्ड लिख रहा हूं, निश्चित 2-4 क्वेश्चन आज के शो से रहेगा। आंसर सही है दोस्तों बी, मध्य प्रदेश। हमारा घर हमारा विद्यालय ऑप्शन किसने शुरू किया है, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है, सॉलिसिटर जनरल कौन है, ठीक है ना सर, हम शेयर कर दिए हैं राजकमल भाई, सभी को शेयर करना है आज, किसी एक को नहीं भाई, सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, तुषार मेहता। नेक्स्ट, किस दिन को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, भाई याद रखना राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। नेक्स्ट, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2021 पहल की शुरुआत की है, विद्यार्थी ज्ञान मंथन पहल की शुरुआत किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। नेक्स्ट, कौन सा देश महात्मा गांधी जी की याद में सिक्का जारी करेगा, भाई याद रखना 7:30 बजे मैं शो को रोक सकता हूं यदि 1000 प्लस आज स्टूडेंट नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अगर हम शेयर करने गए तब तक तो सर 4 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, तो अगर 4 क्वेश्चन का लालच है दोस्त तो आज 100 क्वेश्चन छूट जाएंगे, मैं कसम से आज बता रहा हूं, ये बात याद रखना तुम लोग। कौन सा देश महात्मा गांधी जी की याद में सिक्का जारी करेगा, सिक्का जारी करेगा यूके। नेक्स्ट, किस दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया है, विश्व संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस है दोस्तों सी ऑप्शन, 3 अगस्त को। नेक्स्ट, कुशोक बकुला रंपोचे हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, कुशोक बकुला रंपोचे हवाई अड्डा भैया यह स्थित है आपके डी ऑप्शन, लेह में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किस महीनों को पोषण माह के रूप में मनाया गया है, क्वेश्चन बहुत सोच समझ के 200 लाया हूं और आंसर है दोस्त बी, सितंबर को मनाया गया है न्यूट्रिशन मंथ के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे नया देश है, विश्व का सबसे नया देश कौन सा है, विश्व का सबसे नया देश है डी, साउथ सूडान, साउथ सूडान। नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे दिया जाता है, सर वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। किस राज्य सरकार ने विशेष मुफ्त बस सेवा मोक्ष कलश की शुरुआत की है, मोक्ष कलश की शुरुआत किसने की है भाई याद रखना डी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन राजस्थान। हिमानी जी, सिरुनी जी, संतारा जी, राकेश, विक्रम, मोहित, अंजलि वर्मा, पल्लवी, मोहम्मद आसफ, निधि गुप्ता, मोहम्मद शुभम, प्रदीप चौरसिया, शेयर कर लो 7:30 का समय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष भैया नए अध्यक्ष हैं डी, मार्कोस ट्रायोस, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी लेगा, ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है जरा बताइएगा भैया, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 भाई जीता है आपके हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, पाली उमिरगर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, पाली उमिरगर पुरस्कार 2020 किसने जीता, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, और जीता है बूम बूम बुमराह। नेक्स्ट, खेलो इंडिया युवा खेल 2020 का आयोजन कहां हुआ, युवा है, वाह है, गुवाहाटी है, मतलब डी ऑप्शन गुवाहाटी होना चाहिए, बिल्कुल गुवाहाटी इसका आंसर है भाई। तेजी से रैपिड फायर, फीफा विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा, फीफा विश्व कप 2022 डी ऑप्शन कतर में। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, बताइएगा 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, सी ऑप्शन रॉस टेलर ने। नेक्स्ट, किसको नेशनल बुक ट्रस्ट का निर्देशक नियुक्त किया गया है, नेशनल बुक ट्रस्ट का, करंट अफेयर के 200 बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्त, आप खुद एनालिसिस कर लेना क्वेश्चन का लेवल कैसा है। इसका आंसर है दोस्त बी, लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक,
नेक्स्ट क्वेश्चन को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है, हैज बीन नेम्ड एडवाइजर टू गूगल पे इंडिया। भाई इसका आंसर है सी, शिखा शर्मा को, शिखा शर्मा को गूगल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चूज किया गया है, किसे? तेजी से आंसर करो, रैपिड फायर खेल लो, डी ऑप्शन श्रीकांत माधव वैद्य को। किस भारतीय महिला को बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, मजेदार है कि नहीं? और अगर ऐसा ही 200 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मिलिए मुझसे 2 जनवरी को, क्योंकि कल तो है 1 जनवरी, कल तो मस्त छुट्टी लिया जाएगा, लेकिन 2 जनवरी को भी यही चलेगा, सी ऑप्शन पीवी सिंधु। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? प्रदीप चौरसिया, तुमने मुझसे टेलीग्राम पे यही क्वेश्चन पूछा था भाई, और इसका आंसर देख लो, सी ऑप्शन पीवी सिंधु ने लॉन्च किया है, ठीक है प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है? खिताब जीता है ए ऑप्शन सौराष्ट्र ने। दोस्तों मैं अभी भी याद दिला रहा हूं, 7:30 बजे तक यदि आप लोग आज शेयर करके 1000+ स्टूडेंट नहीं करते हो और सोच रहे होगे कि सर जब तक पढ़ाएंगे 3-4 क्वेश्चन बीत जाएगा तो मैं शेयर करने क्यों जाऊं, तो दोस्त मैं 7:30 बजे आज शो को बंद कर दूंगा, ये बात याद रखना। ये सभी 850 स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आज इच्छा है यार 8:30 बजे, 7:30 से पहले 1000, आज हम लोग को 1500 स्टूडेंट पहुंचना है, और ये कोई आप नहीं, मतलब आपसे ही मैं उम्मीद करूंगा, और किससे उम्मीद कर सकता हूं ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, भाई इसका आंसर है डी, भारत। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? यह क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट और आंसर होगा डी, स्टेन वावरिका ने, स्टेन वावरिका। नेक्स्ट, जिसने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है? तो दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं डी, डॉक्टर सुरेश चंद्रा शर्मा। कुछ लोग कह रहे सर नीचे का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डी ऑप्शन, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश वाले से उसको टिक कर दूंगा, वहां से देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने केंद्रीय सूचना आयोग में निख मुख्य सूचना आयुक्त बना है? बिमल जुल्का, विनय दुबे, प्रणव कुमार, सुधीर चौधरी। भाई बने हैं आपके ए ऑप्शन, बिमल जुल्का, बिमल जुल्का बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अक्टूबर 2020 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? भाई उनका नाम हुआ करता था, तेजी से बताओ, केशुभाई पटेल, केशुभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कन्नड़ साहित्य के किस अग्रगणी आलोचक एवं लेखक का निधन हो गया है? भैया निधन वाले से एक क्वेश्चन रेलवे में रहता है और आंसर सही है ए, डॉक्टर जी सी अमूर, डॉक्टर जी एस अमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला सिख कौन बन गई है? दोस्तों यूएस मिलिट्री से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है अनमोल नारंग जी, अनमोल नारंग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed India first female fighter aircraft pilot? भैया वो नियुक्त किया गया है सी ऑप्शन, भावना कंठ को। नेक्स्ट, 31 मई 2020 प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार का निधन हो गया, किसका निधन हुआ था? भाई सभी को पता है आपके वाजिद खान, साजिद वाजिद दो गायक है ना, तो आंसर इसका क्या सही है? वाजिद खान इसका आंसर सही है। थोड़ा भाई अब हम लोग के पास बचा है मात्र 6 मिनट, और 6 मिनट और 100 लड़के करीब कम है 1000 होने से, यदि दोस्तों आप ईमानदारी से शेयर कर दोगे तो यह भी जंग आप जीत लोगे, भरोसा है मुझे आप पर। 31 अगस्त 2020 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया, वह किस नंबर के राष्ट्रपति थे, किस नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, उसका आंसर है दोस्त ए, आपके 13वें नंबर के। नेक्स्ट, यूक्रेन के प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? यूक्रेन का प्रधानमंत्री, भाई यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस समिहल को, डेनिस समिहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्त? तो पहले लोकपाल अध्यक्ष आपके बने हैं डी ऑप्शन पिनाकी चंद्र घोष जी। नेक्स्ट, 5 अक्टूबर 2020 को केरल की पहली मुख्य महिला जज का निधन हो गया है, पहली महिला मुख्य जज का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम हुआ करता था ए, के उषा, के उषा का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फाबेट के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अल्फाबेट का सीईओ,
बताइएगा। अल्फाबेट के सीईओ नियुक्त किए गए हैं दोस्तों डी सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई को नियुक्त किया गया है अल्फाबेट का सीईओ। नेक्स्ट, विजयंत ऑफ कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो पुस्तक किसने लिखी है? विजयंत ऑफ कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो ये पुस्तक लिखा है वी एन थापर और नेहा द्विवेदी ने मिलकर के। सी नेक्स्ट, बिकमिंग पुस्तक किसने लिखी है? बिकमिंग, भैया बिकमिंग पुस्तक किसने लिखा है? तो ए ऑप्शन मिशेल ओबामा ने, मिशेल ओबामा ने लिखा है। भाई चार मिनट और सौ लड़के, जंग बराबरी का है और मैं इन चार मिनट में 20 क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि कम से कम 100 क्वेश्चन तो पूरा हो जाए। यदि 1000 स्टूडेंट नहीं हुए तो मैं इस शो को फिर रोकना पड़ेगा, रोक दूंगा, क्या करूंगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 4.23 स्टेक हासिल कर लिया है, किसका? भाई हासिल किया है आपके यस बैंक का। नेक्स्ट, किस कंपनी ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए $14.1 मिलियन का नासा से अनुबंध जीता है? भाई वो है नोकिया, नोकिया 4G लेके जा रहा है चंद्रमा के ऊपर। नेक्स्ट, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किसने किया? भैया अमित शाह जी ने किया था कर्मयोद्धा। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र, भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर जो कि जानवरों के लिए बना है? बताइएगा, जो कि जानवरों के लिए बना है। दोस्तों आंसर सही है डी, जिम कॉर्बेट पार्क। नेक्स्ट, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लीजेंड ऑफ सुहेल देव लिखा है अमीश त्रिपाठी ने, अमीश त्रिपाठी ने। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला इंडियन रेलवे का पहला स्टेशन कौन बन गया है? भाई सैनिटाइजेशन टनल स्थापित करने वाला पहला बना है अहमदाबाद। चूंकि नीचे का डी ऑप्शन आप लोगों को दिख नहीं रहा है इसीलिए मैं ऑप्शन इंग्लिश में टिक कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, चेंजिंग इंडिया किसने लिखा है? चेंजिंग इंडिया, भाई चेंजिंग इंडिया लिखा है मनमोहन सिंह जी ने। तेजी से आंसर करो यार, क्या कर रहे हो, थोड़ा तेज आंसर करो तभी मजा आएगा। देखो 1000 स्टूडेंट होने वाले हैं। कौन सी भारतीय कंपनी लगभग 11.83 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण के साथ सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? बताइएगा, सबसे मूल्यवान कंपनी बनी आपके बी ऑप्शन RIL। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 2020 में आयोजित किया जाएगा, का कौन सा संस्करण है? सिलिनेक्स 2020 कौन सा संस्करण है? भाई ये संस्करण है आपके बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सरकार अगले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात को कितना कर देगी? रक्षा निर्यात को याद रखना $5 बिलियन अगले 5 वर्ष में, $5 बिलियन। नेक्स्ट, किस देश की वायुसेना ने 30 अप्रैल 2020 से आयोजित होने वाले रेड फ्लैग हवाई अड्डा अभ्यास 2020 को रद्द कर दिया है? रेड फ्लैग हवाई अड्डा अभ्यास को US एयरफोर्स ने रद्द किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय साइबर अपराधी पोर्टल भारतीय साइबर समन्वय केंद्र I4C का उद्घाटन किया, कहां पे उद्घाटन किया? भाई इसका उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास 2020 भारत और के बीच हुआ, ठीक है ना? इंद्रधनुष युद्धाभ्यास 2020 भारत और के बीच हुआ, भाई ये हुआ था UK, ठीक है, भारत और UK के बीच हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, नामक एक वेबिनार श्रृंखला भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, किस नाम से? बताइएगा भैया, हमारे जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं उन लोग को तो याद होना चाहिए, और मेरे जो अन्य स्टूडेंट हैं धड़ल्ले से आंसर करें डी ऑप्शन, देखो अपना देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट, फरवरी 2020 को भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 9वें संप्रीति का आयोजन किया गया, किस देश के बीच? भारत बांग्लादेश के बीच, ये कहां पे किया गया है? तो मेरे भाई ये किया गया है आपके डी ऑप्शन मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, बताइएगा, भारतीय रेलवे ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है, भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दोस्तों याद रखना कि इसका आंसर है बी आस्क दिशा, क्या नाम है? आस्क दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ होने वाला युद्धाभ्यास है? मित्र शक्ति किस देश के साथ, ठीक है, होने वाला युद्धाभ्यास है? भैया मित्र शक्ति होने वाला है भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां किया गया था? 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन दोस्तों याद रखना सी ऑप्शन, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर 2020 को। 100वां क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? विश्व बांस दिवस, भैया विश्व बांस दिवस मनाया गया है इस बार का जो है विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। यह हुआ 7:30 बजे पूरा। 1000 स्टूडेंट्स और आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स जो आपने ये मेरे लिए एफर्ट किया। यार मैं एहसान मंद हूं आप सभी का। बस एक रिक्वेस्ट और है, आज हम लोग को 1500 स्टूडेंट पहुंचना है। अभी 100 क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा क्योंकि आप अपने वादा पे खरे उतरे हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी अपने वादा पे खरा उतरूं। चलो दोस्तों लग जाओ एक बार और 100 क्वेश्चन के लिए। अगला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने एक तीव्र प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कवच, ठीक है कवच। नेक्स्ट, हाल ही में पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया गया, यह द्वारा विकसित किया गया है। पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल को विकसित किया गया है ICAR के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट, हर साल विश्व ब्रेल दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, भैया लाइक वाइक एक बार कर दो यार, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है डी ऑप्शन 4 जनवरी को, ठीक है डी ऑप्शन 4 जनवरी। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल। DRDO ने नया सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? भाई उसका नाम है सौर्य, याद रखिएगा उसका नाम क्या है? सौर्य। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए संभावित कार्यक्रम की पहली छमाही लागू करने की योजना क्या है? भाई पहली छमाही लागू करने की योजना है 2021 में। नेक्स्ट, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सर इंटरनेशनल लिटरेसी डे बी ऑप्शन सितंबर 2020 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत और अमेरिका ने 5G तकनीक विकसित करने में सहयोग की बात की है? 5G तकनीक, दोस्तों बताइएगा भाई, थोड़ा तेजी से शेयर करके आगे बढ़ो, ठीक है ना, तेजी से। 5G तकनीक सी ऑप्शन इजराइल। नेक्स्ट, When was the 12th BRICS summit organized? 12वां BRICS summit कब हुआ है? भाई 12वां BRICS summit हुआ है 17 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 107वां संस्करण कहां हुआ है? सर बेंगलुरु में हुआ है, याद है ना सभी को बेंगलुरु। नेक्स्ट, हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला, विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है सुनामी रेडी कार्यक्रम को? भैया इंडिया बना है, ठीक है इंडिया। किस देश ने 2020 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं और अंतरिक्ष की सेना स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है? मतलब अब वो स्पेस में सेना बनाएगा, कोई और नहीं अमेरिका, अब वो स्पेस में भी अपनी सेना रखेगा। नेक्स्ट, किस देश में अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का 33वां संस्करण आयोजित किया गया? 33वां संस्करण दोस्त, 33वां आयोजित किया गया है आदिस अबाबा इथियोपिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान ने बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन व्यायाम 2020 की मेजबानी की? किस स्थान पे हुआ बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज? तो भैया ये हुआ है इस बार का आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। थोड़ा तेज आंसर करो यार, 200 के करीब क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा होगा जय बांग्ला, जय बांग्ला, बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा होगा। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक का नाम बताइए जिसने 31 अगस्त को अपने पद से हटने का निर्णय लिया है। भाई उन्होंने, उनका नाम है रॉबर्ट अजीवेडो, रॉबर्ट अजीवेडो ने अपने पद से हटने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, भारतीय कपड़ा और शिल्प के उभरते अवसरों पर संगोष्ठी आयोजित की गई, कहां पे? भारतीय कपड़ा और शिल्प के उभरते अवसर पे दोस्त, डी नई दिल्ली। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताइए जिसने नूर नाम अपने नामक अपने पहले सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक उस देश ने प्रक्षेपण किया है। भाई नूर का प्रक्षेपण अगला को डी ऑप्शन ईरान, ईरान ने किया है। नेक्स्ट, भारत को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? भाई स्थान मिला है ए 43वां स्थान मिला है, ठीक है 43वां। नेक्स्ट,
भारत को मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान मिला है? मानव पूंजी सूचकांक, भाई मानव पूंजी सूचकांक 116वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आईडीएफसी बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? भाई पहले ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? टाटा पावर, टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर है आपके सी ऑप्शन, शार्दुल ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी पर रिपोर्ट, सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में सबसे ऊपर कौन है? दोस्तों सबसे ऊपर चल रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस देश ने टॉप किया? सबसे खुश देश कौन है? फिनलैंड, सबसे खुश देश है फिनलैंड। नेक्स्ट, इंफोसिस के सीईओ कौन है बताइएगा जरा, इंफोसिस के, भाई इंफोसिस के सीईओ है सलील पारे। नेक्स्ट, हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर, ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ है ए जैक डॉर्सी, जैक डॉर्सी। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? भारत रहा है दोस्तों 168वें स्थान पे, ठीक है, 168 पे। नेक्स्ट, एडोब के सीईओ कौन है? एडोब के, भाई एडोब के सीईओ हैं ए शांतनु नारायण, शांतनु नारायण। नेक्स्ट, शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर किसने लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर लिखा है दोस्तों बी ऑप्शन, मनीष सिसोदिया जी ने, मनीष सिसोदिया जी। भाई एक बार आपसे कहूंगा, अब लाइक करके 1000 लाइक हो जाना चाहिए, अब तुम लोग शेयर करना रोक दिए हो, समझ में आ गया है मुझे, भैया शेयर करो ना, तब तो स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी भुगतान नेटवर्क भारत पे के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? भारत पे का, भारत पे का सीईओ है आपके ध्रुव बहल, डी ऑप्शन ध्रुव बहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वालंबन एक्सप्रेस ट्रेन 15 दिनों में शहरों का दौरा करेगी, 7000 किमी की यात्रा करेगी, कितने 15 दिनों में कितने शहरों का दौरा करेगी? भाई 15 दिनों में डी ऑप्शन दौरा करेगी आपके 11 देशों का। नेक्स्ट, किसको पशु अधिकार संस्था पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है नवीन पटनायक जी को, ठीक है। देखो अब एक लोग लिख रहे हैं, सर थोड़ा आराम से, मैं एक बात बताऊं दोस्त, ये चल रहा है जीएस का रैपिड फायर, तो जिन लोगों को न जानकारी हो मैं बता दूं, ये तेज इसलिए चल रहा है क्योंकि ये चल रहा है रैपिड फायर, नहीं तो मैं भी इसको धीमे पढ़ा सकता हूं, धीमे पढ़ाने में एनर्जी बचेगी, आराम आराम से बोलो, लेकिन दोस्त जब वादा है रैपिड फायर का तो कहां से मैं इसको धीमे करा दूं, ठीक है। आंसर क्या है? नवीन पटनायक। नेक्स्ट, किसने एक पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु लिखा है बताइएगा? सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु लिखा है दोस्तों वी कृष्णा स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, वी कृष्णा स्वामी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने देश भर में रेल मार्ग के माध्यम से खेत परिवहन के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है बताइएगा? भारतीय रेलवे के साथ किसने साझेदारी की है? ए ऑप्शन अमेज़न ने, ठीक है ना, अमेज़न ने। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2021 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की मुक्केबाजी का अधिकार खो दिया है बताइए? दोस्तों भारत ने अधिकार ये खो दिया है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। नेक्स्ट, 2023 में कौन सा देश 7वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2023 कौन है ऑर्गेनाइज कराएगा? सर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट, किसको निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? निक्केई एशिया पुरस्कार थलपिल प्रदीप को, थलपिल प्रदीप को, ठीक है, थलपिल प्रदीप को। नेक्स्ट, किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन रखने का निर्णय लिया है? टोमन रखने का निर्णय लिया है दोस्तों ए ऑप्शन ईरान ने, टोमन रखने का निर्णय ईरान ने। कौन सा देश कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है? यूरोप का पहला राष्ट्र बना है स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया। नेक्स्ट, किसने अपनी तीसरी पुस्तक फियर ऑफ गॉड लिखी है बताइए? फियर ऑफ गॉड किसने लिखी है? भाई फियर गॉड लिखी है बीडीएस चंद्रवर्धन ने। रैपिड फायर कैसा लग रहा है बताइएगा? भाई ये है जीएस के करेंट अफेयर का रैपिड फायर राउंड, बताइएगा रैपिड फायर पिछले
12 दिन से आपको करवा रहा हूं दोस्त, लगातार 200 क्वेश्चन। सेशन कैसा लग रहा है? और अगर दोस्त ये आपको मजा दे रहा है तो एक बार लाइक और शेयर तो करो यार, हमें भी तो मजा आए कि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ। ए ऑप्शन पंकज त्रिपाठी, खादी माल का ब्रांड एम्बेसडर बिहार सरकार द्वारा पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी क्रिकेटर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो भैया उनका नाम है आपके डी ऑप्शन, ना 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 ना, सैफ अली वर्मा तो सबसे, उनका नाम क्या है इसमें, वसंत राय जी, वसंत राय जी, ठीक है ना। सैफ अली वर्मा तो सबसे युवा प्लेयर है भाई भारत की। चलो अगला क्वेश्चन, कृतिका पांडे अपनी कहानी के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार की समग्र विजेता है, उनकी कहानी का नाम क्या है बताइए, उनकी कहानी का नाम क्या है, उनकी कहानी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। नेक्स्ट, कौन सा पंजीकरण पोर्टल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? भाई उस पंजीकरण पोर्टल का नाम है उद्यम, उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, कौन सा राज्य ने देश का पहला राज्य बन गया है जो हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन दे दिया है? हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं बताएगा, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, बने हैं भैया सी ऑप्शन जी आकाश। नेक्स्ट, किसने हनी हंटिंग पर ची लूपो डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड किसने जीता है दोस्त बताइएगा। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है केजंग बी डी थोंग डोक ने, केजंग बी थोंग डोक ने, ठीक है ना, दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट, 2026 युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भाई मेजबानी करेगा सेनेगल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, पेरुमकुलम किस राज्य का पहला पुस्तक गांव बन गया है? पेरुमकुलम बताइएगा, पेरुमकुलम बनाए भाई ए ऑप्शन केरल का, पेरुमकुलम केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगिंग इन द डार्क नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है? सिंगिंग इन द डार्क, भाई सिंगिंग इन द डार्क संपादित की गई है निसी सॉरी के सचिदानंद और बीडीएस चंद्रवंदन, इन दोनों के साथ, मतलब आपके क्या बोल रहा हूं, इसका आंसर डी सही है, के सचिदानंद और निसी चावला, इन दोनों ने मिल करके किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द एंड गेम नामक एक उपन्यास लिखा है? द एंड गेम, भाई एंड गेम लिखा है सी एस हुसैन जैदी ने। नेक्स्ट, किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए प्रतिष्ठित जिनोए अवार्ड 2020 जीता है? जिनोए अवार्ड 2020 जीता है दोस्तों सुनील कुमार वुपला ने। नेक्स्ट, कुशोक बकुला रामपोचे, सर ये तो पढ़ा चुका हूं, लेह में है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, कौन सा देश आईसीसी 2020 टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? ठीक है, आईसीसी टी20 2022 की मेजबानी करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, ब्रंट सुगर किसकी लेखक है? ब्रंट सुगर का लेखक अवनी दोषी, कई बार पूछा है, ठीक है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम श्री चंबल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे होगा, चंबल प्रोग्रेस वे, भैया नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। किसने एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स लिखा है दोस्तों ए ऑप्शन अर्जुन सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट, ब्रिक्स गेम 2021 का आयोजन कौन सा देश करेगा? सर आयोजन करेगा भारत। नेक्स्ट, जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? भैया इस्तीफा दिया है शिंजो आबे ने। नेक्स्ट, कौन सा बैंक कानपुर सिटी मेट्रो लाइन में 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा बताओ जरा? तो भैया निवेश करेगा ए ऑप्शन EIB। नेक्स्ट, लेटेस्ट ड्रीम नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? भाई डी ऑप्शन पोप फ्रांसिस, इंपॉर्टेंट है याद रखना भाई। एक बार लेक्चर को जरा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISLRTC और NCERT ने शैक्षिक सामग्री बनाने के लिए समझौता किया है उस किसके लिए? तो भैया ये है डीफ चिल्ड्रेन, बहरे बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए। वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? भैया उनका नाम है पुष्पा भावे, पुष्पा भावे का निधन हुआ है। नेक्स्ट, विश्व पोस्ट कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, भाई ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम, किस मेंटरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? उन्होंने लॉन्च किया है MSME
प्रेरणा, एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, एसबीआई बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भाई एसबीआई बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं चरणजीत सुरेंद्र सिंह, चरणजीत सुरेंद्र सिंह। नेक्स्ट, नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रैंक क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रैंक है दोस्तों थर्ड। नेक्स्ट, सीएससी साझेदार के साथ ग्रामीण बुजुर्ग नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता का खर्च उठाते हैं, किसके साथ? सर एनएसडीसी के साथ। ठीक है, जो क्वेश्चन ना आवे स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने मास्टर कार्ड के साथ सीमित भागीदारों को बीओबी कार्ड की कितनी किस्म लॉन्च की है? सर चार। नेक्स्ट, निम्नलिखित वित्तीय समावेशन में से किसने ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है? ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, आईसीएमआर ने कोविड 19 के उपचार के लिए अत्यधिक शुद्ध विकसित किया है, क्या विकसित किया है? सर अत्यधिक शुद्ध उसने विषु अंतरण इक्वाइन एंटी सीरम विकसित किया है। नेक्स्ट, कॉफी टेबल बुक बापू द अविस्मरणीय किसने लॉन्च किया है? बापू द अनफॉरगेटेबल, भैया अनफॉरगेटेबल किसने लॉन्च किया है? तो मनीष सिसोदिया ने। नेक्स्ट, प्रथम बच्चे की पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एसुरा टेल्स फॉर किड्स के लेखक कौन है? अरे बाप रे बाप, हु इज द ऑथर ऑफ फर्स्ट किड बुक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी आसुरा टैलेंट्स फॉर किड्स, ये लॉन्च किया है दोस्तों आनंद नीलकंठन ने। नेक्स्ट, मोल कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है? कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों लॉन्च किया है सुनिधि। नेक्स्ट, विश्व पशुपालकों के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड ऑन, बताओ इसका कोई आंसर? नहीं पता होगा, आंसर है दोस्त सी, सेकेंड ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, सेकेंड ऑफ अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, तो इसका आंसर सेकेंड ऑफ अक्टूबर रहेगा, याद रखिएगा सी। नेक्स्ट, पीयूष गोयल ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है, क्या है नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम? भाई नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम है बी, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक LAS का लाभ उठाने वाला ग्राहकों को डेबिट कार्ड देना शुरू करता है? भैया वो है ICICI बैंक। नेक्स्ट, गूगल इंडिया ने लघु व्यवसाय के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? बताओ कौन सा अभियान शुरू किया है? भाई उस अभियान का नाम है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, रोजर पेन रोस ने अपनी खोजों के लिए भौतिक में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता, किसके लिए रोजर पेन रोस को फिजिक्स का नोबेल दिया जा रहा है 2020 का? डी, ब्लैक होल की खोज के लिए। नेक्स्ट, नजीब तारकाई का हाल ही में निधन हुआ, हाल ही में किससे हुआ था? नजीब तारकाई पास रिसेंटली वाज रिलेटेड विद, अच्छा इंग्लिश वाले से इसका आंसर करिएगा, हाल ही में उनका निधन हुआ वो किससे संबंधित है? नजीब तारकाई, नजीब तारकाई क्रिकेटर है। ठीक है, क्रिकेटर है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? भाई बी ऑप्शन 5 अक्टूबर। नेक्स्ट, श्रम और रोजगार मंत्री सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रम रोजगार मंत्रालय के सेक्रेटरी के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुई है अपूर्वा चंद्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का कार्यभार किसने संभाला है? भैया संभाला है आपके सोनाली घोषाल जी ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? नाम है दोस्तों सी ऑप्शन अटल टनल, मोदी जी ने उद्घाटन किया। भारत और जापान ने फिल इन द ब्लैंक्स के क्षेत्र में सहयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, इसका आंसर है दोस्त बी स्वास्थ्य, इसका आंसर क्या है? बी स्वास्थ्य। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भाई ये मनाया जाता है बी ऑप्शन आपके 8 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस दोस्तों डी ऑप्शन 7 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटेड ओडिया पोएट रिसीव्ड सरला पुरस्कार, किस ओडिया पोएट को सरला पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों नाम है नित्यानंद नायक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारती फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार दिया है? बताइए, फूड विजन 2050 पुरस्कार दिया है नंदी फाउंडेशन को। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस
पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? भाई इसका आंसर है डी, अशोक साहनी। और यार मेरा मोबाइल हो गया है स्विच्ड ऑफ, तो अब मैं यहां से आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, ना ही लाइक देख पाऊंगा। तो यहां से आपकी जिम्मेदारी बनती है, मुझे नहीं पता कि 1000 लाइक हुए कि नहीं हुए, यदि आप चाहेंगे तो शायद हो जाए, अभी कुछ कम ही होगा, तो प्लीज दोस्तों कर दीजिएगा, क्योंकि बैटरी डाउन है इस लैपटॉप और मोबाइल की, दैट्स व्हाई इट शुड बी शट आउट। ये शट आउट हो जाना चाहिए, शट डाउन हो जाना चाहिए। देखते हैं कितने क्वेश्चन तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम, किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है? सी ऑप्शन, पैरासाइट। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन है? भाई याद रखिएगा बी, एनएस धर्मसक्तु। नेक्स्ट, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? पद्मश्री मिला है कंगना रनौत को। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए थे? दोस्तों मरणोपरांत दिए गए थे ए ऑप्शन, 4 लोगों को। नेक्स्ट, ओहो तो 194।